अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वर्दा श्वेब एंड वंस अगेन वेलकम टू माय शो जो कि है रिवायतों की लज्जत, जहाँ पे हम लेके आते हैं आपके लिए ऐसी रेसिपीज जो कि ना सिर्फ हेल्दी हो, रिवायत से भरपूर हो और ऐसी यूनिक और इजी टू मेक हो कि आप ये ना कहें कि यार अब ये बनाने के लिए तो मुझे किचन में घंटों खड़े रहना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है जी, ये सिर्फ हमारी एक मिसकंसेप्शन है हमारा कि हमें लगता है कि अगर हमें वो रिवायती जायका चाहिए तो हमें किचन में घंटों लगाने पड़ेंगे। इसलिए तो हमने ये शो डिज़ाइन किया है ताकि हम आपको दिखा सकें कि आप रिवायती लज्जत इन्जॉय कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही ईजी कुकिंग के ज़रिए। तो जहाँ बात हो रही है खाने की और नई रेसिपीज़ की, हमने भी आज अपने शो पे ऐसी एक गेस्ट को इनवाइट किया है जो कि बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं और साथ साथ अपना रेस्टोरेंट भी रन करती हैं, और जो आज वो रेसिपी बना रही हैं वो कुछ डिफरेंट और हटके ही है। तो आइए उन्हीं से ही पूछ लेते हैं, इनवाइट करते हैं मिसेज इफ़त को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं वर्दा? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, यू लुकिंग प्रीटी। ओह थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छी लग रही हैं ब्लैक सूट। थैंक यू। सबसे पहले मुझे बताइए आज हम क्या बना रहे हैं? वर्दा आज हम बना रहे हैं साउथ इंडियन डिश। पहले हम शुरू कर रहे हैं पनीर टिक्का मसाला। पनीर टिक्का मसाला में सबसे पहले हम पनीर को मैरिनेट करेंगे। आपके सामने जल्दी जल्दी क्विक रेसिपी है और कुछ हम तेज़ क्विक करेंगे भी। तो सबसे पहले अच्छा, मुझे यहाँ बैंगन भी नज़र आ रहे हैं, बैंगन का भी कुछ बनेगा क्या? हम एक सेकंड डिश अपनी बना रहे हैं, दही वाले बैंगन। ये भी बहुत मज़ेदार होती है। और मैं अगर कहूँ आपसे कि ये दही बड़े का मतलब नेमुल बदल कह लें आप, के लोग दही बड़े खा के उकता जाते हैं, तो उनका जी चाहते हैं कुछ समथिंग इज़ डिफरेंट, राइट? तो ये समथिंग इज़ डिफरेंट वाले उसमें अच्छा, आती है। ये भी डिफरेंट जी, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से। ये देखिए हम इन्हें क्यूब में काट रहे हैं। ये अच्छा, हमारा पनीर जो है ये बिल्कुल कॉटेज चीज़ बिल्कुल पनीर। यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर थोड़ी सी इंडियन चीज़ें मिल रही, जैसे टोमेटो प्योरी आप आसानी से नहीं फाइंड कर सकती हैं, सावर क्रीम, तो हम उनकी देखते हैं कि उनके बदले में हम क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं ना। टोमेटो प्योरी तो हमें मिल जाती है, लेकिन हाँ सावर क्रीम हमें थोड़ी मुश्किल से, वो हम फिर खुद बनाते हैं। वो भी बहुत ईजी तरीका है। हाँ, सावर क्रीम बनाने का नॉर्मल कोई भी क्रीम ले लीजिए, फ्रेश क्रीम या टेट्रा पैक की क्रीम, उसमें आप 2 टेबल स्पून जो है वो लेमन जूस या विनेगर डाल, थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दें, आपकी सॉल्ट क्रीम रेडी हो जाती है फौरन। अच्छा जी, अब क्या करेंगे? तो हाँ, आप देखें हमने क्यूब्स काट लिए हैं इसके, और हम इसको मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले इसमें 2 स्पून योगर्ट डालेंगे। अच्छा ठीक है, और देन वी पुट सम बेसन। बेसन आप सोच रही होंगी कि हम क्यों डाल रहे हैं, मेरा सवाल था तो बिल्कुल देखिए आपने मुझे देखिए मैं कितना क्विक आपका सवाल को कुछ वाइब्स मिल रही हैं आपस। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये मैं आपको बता दूं कि ये बेसन डालने का पहला मकसद ये है कि ये अच्छी तरह से बाइंडिंग हो जाए इसके ना मसाले की, बिल्कुल बिल्कुल, ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो इसके मसाले सारे तवे पे ना रह जाएं बल्कि इसके साथ आ जाएं। तो आपने देखा हमने लहसुन अदरक 1 चम्मच डाला, आपने 2 टेबलस्पून बेसन डाला है ना जी, 2 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून हमने चम्मच दही। अब ये हम इसमें 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर डाल रहे हैं, सही, 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला डाल रहे हैं, भुना हुआ जीरा डालेंगे इसमें 1/2 टेबलस्पून, हमारा यही रहेगा ना रेशो 1/2 टेबलस्पून का रखा जी, ठीक है। और ये देखिए 1/2 टेबलस्पून हल्दी हमने डाल दी, और एक थोड़ा सा तिक्का टच देने के लिए ये तंदूरी मसाला है रेडीमेड अच्छा। जो मिलता है, तो ये मैंने 1/2 टेबलस्पून जो मिलता है इजीली आप, यकीन कीजिए कि हाँ आप कौन सा भी हाँ ले सकती हैं ना। सही, और एक और जो इसमें डिफरेंट चीज़ लगेगी आपको ये मेथी, सॉरी अजवाइन, अजवाइन का टेस्ट भी बहुत डिफरेंट आता है ना, अजवाइन का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर, बहुत स्ट्रॉन्ग। ये हमने इसमें डाल दिया, अच्छी तरीके से हम इसे मैरिनेट कर लेंगे इसको। और मैरिनेट करने के बाद अच्छा सॉरी, इसमें हम ये जो क्यूब्स काटे हुए हमने वेजीज कैप्सिकॉन शिमला मिर्च के और थोड़ा सा अनियन, अनियन वो भी हम इसी वक्त डालेंगे जब हम मैरिनेशन कर रहे हैं ना, ये सारा ताकि साथ में मसाला वेजीज में भी आ जाए। ये सब हमने इसके साथ मैरिनेशन कर लिया, आप देखें अच्छे से हमने अपने इसमें मिक्स कर लिया, ठीक है ना, ठीक है, मिक्सिंग कर ली। अब हमारा काम यहाँ पर शुरू होता है मसाला, हम इसको 10 मिनट के लिए रख देते हैं अच्छा, ना रेस्ट देते हैं, बिल्कुल रेस्ट मिनट के मसाला जो है वो अच्छी तरीके से हाँ अच्छी तरीके से इसमें ऑब्जर्व हो जाए, मिक्स हो जाए, ठीक है ठीक है। अच्छा आप इसको तवे पे फ्राई करेंगी? हाँ हम इसको तवे पे फ्राई करेंगे क्योंकि ये क्विक फ्राई होगा ना, इससे हमें बहुत डीप फ्राई या वो कुछ नहीं करना, सही, क्योंकि आपको पता है ये पूरा स्प्रेड हो जाएगा ना। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो देखिए ये हमने इसके लिए डाइस की हुई अनियन पहले से काट के रखी है ना, हम थोड़ी सी वो डालेंगे। कितनी अनियन है? बहुत कम है,
हाँ, इसमें बताइए आपके ऊपर है आप अनियन डालें या नहीं डालें। मैं सिर्फ जरा से टेस्ट के लिए हर चीज़ इसमें शामिल करना पसंद करती हूँ। अराउंड 2 टेबलस्पून। हाँ, यू एक छोटा सा अनियन जो है वो आप काट लें, डाइस काट लें, उसके बाइस से चॉप कर लीजिए। अच्छा, हम इसको रेड नहीं होने दे रहे हैं। आप ये देखिए, हम इसे रेड नहीं होने दे रहे हैं और हम इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक के डाल रहे हैं। ठीक है ना, फ्लेवर लहसुन अदरक जब भुनता है तो इसका फ्लेवर जो खुशबू होता है वो। इसमें थोड़ा सा हम 2-3 ये करी लीव्स डाल रहे हैं। इसका तो फ्लेवर आपको बताए, साउथ इंडियन खानों में करी लीव्स ना हो तो समझिए कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होता। और ये हम थोड़ा सा जीरा पाउडर डालेंगे, ये हम थोड़ा सा इसमें जीरा पाउडर डालेंगे। ये खुशबू एक्चुअली साउथ इंडियन खुशबू है। जी जी, करी लीव्स आपने डाले और जिस तरह से, अच्छा मैं एक बात बताऊं, जैसे बेसन का इस्तेमाल आपने किया उसको बाइंड करने के लिए, अच्छा इंडिया में ये चीज़ें यूज़ होती हैं? जी बिल्कुल यूज़ होती हैं, बिल्कुल यूज़ होती हैं। अब हम क्या करेंगे इसमें, और अच्छा मीन टाइम में हम अपना पनीर या हम उसको फ्राई बाद में करेंगे, पहले इसमें हम इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं। सही, मैं सारे इंग्रेडिएंट्स देती रहूँ आपको वहाँ पे। जी, हल्दी पाउडर डाल दिया हमने। ओके, रेड चिली पाउडर, चिली पाउडर डाल दिया 1 टेबल स्पून चिली पाउडर डाल दिया। सॉल्ट का हम ध्यान रखेंगे, थोड़ा डालेंगे क्योंकि तंदूरी मसाले में भी सॉल्ट है ना, तो हम इस मसाले में थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाला हम 1/2 टीस्पून डालेंगे। जजाक अल्लाह, आप इतनी अच्छी हेल्पर हैं। और मैं धनिया पाउडर, ये धनिया पाउडर में थोड़ा सा पानी डालूंगी क्योंकि हमारा मसाला ख़राब हो जाएगा। सही, क्योंकि हमें कुछ तो करना पड़ता है ना। हाँ, नहीं जैसा बिल्कुल जरूरत भी होती है हेल्पर की। तो ये धनिया पाउडर आपने मुझे दिया, बिल्कुल ये धनिया पाउडर डल गया। सही, और जनाब हमने टर्मेरिक पाउडर, हल्दी पाउडर डाल दिया। दैट्स इट, ये तक आप ये हम बिल्कुल नहीं डालेंगे। और ज़रा सा जब मसाला हमारा भुन जाएगा, थोड़ा सा हम हल्की आग पे मसाला भूनेंगे इसे। अच्छा, बहुत लो फ्लेम पे इसको जो है वो पकाना है। असल में आपको एक बात बताऊँ, मसाला जिसमें लहसुन अदरक के बाद हम सिर्फ स्पाइसेस डालते हैं, मोस्टली उसे हल्की आग पे ही भुना जाता है ना। अगर हम तेज़ कर देंगे तो रंग तो आ जाएगा लेकिन उसके भुनने का जो मज़ा है असल वो बिल्कुल भी नहीं आएगा, और वो ओवर कुक हो जाएगा, ओवर कुक हो जाता है। तो अब हम यहाँ पर जो हमने अपनी मैरिनेट की थी, ये सारा हम ऐसे ही डाल देंगे। अच्छा, ऐसे ही, ठीक है, हम ऐसे ही डाल देंगे। हमें कोई इसको फाइन शेप नहीं देने, कुछ नहीं देना, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्लॉक्स में कटे हुए हैं ना। सही, ठीक है ना, और हम ऐसे ही इन्हें फ्राई करेंगे। अच्छा, लो मीडियम पे फ्राई करेंगे? हाँ बिल्कुल, लो मीडियम पे हमें तो लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, टाइम बिल्कुल ब्रेक का हो चुका है तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना जब तक जो है आप पनीर फ्राई करें इस पर आप लोग जल्दी से एक क्विक ब्रेक ले लीजिए। अरे वाह, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू रिवायतों की लज्जत, और रायतों की लज्जत में बन रहा है पनीर टिक्का मसाला और साथ में दही वाले बैंगन। बिल्कुल बिल्कुल, ब्रेक पे जाने से पहले हमने पनीर जो है हम फ्राई कर रहे थे और मसाला हमारा भुन रहा है, और अब हम इसमें टोमेटो पेस्ट डाल देंगे अपना। आप इसकी जगह टोमेटो प्योरी भी यूज़ कर सकते हो, दोनों चीज़ें। 2 टेबल स्पून हमने डाल दिया टोमेटो पेस्ट, और अब हम इसको टोमेटो पेस्ट के साथ भुनेंगे। हमारा ये रेडी हो गया है पनीर। अच्छा, पनीर देखिए ऑलमोस्ट रेडी हो गया, किस तरह से हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है मैं आपको दिखाना चाहूंगी, प्लीज आप देखिए। मैं इसे प्लेट में निकाल दूं। हाँ ये देखिए, हम ज्यादा इसको नहीं करेंगे। अच्छा, ज्यादा इसको और नहीं करना है, मजीद ज्यादा नहीं करेंगे हम इसे। हम इसमें निकाल लेते हैं, डिश आउट कर लेते हैं इसको। ये लीजिए जी, ये देख लीजिए पनीर और हमारी कैप्सिकॉर्न सब अच्छे से फ्राई हो गई है। ये देख लें आप ना, इसके कलर देख लें आप, इसका बेस हमने जो एक्चुअली इसको फ्राई करने का मेन मकसद हमारा जो बेसन इसमें पड़ा हुआ है वो सीक्रेट है, इसका सीक्रेट है तो, और जो आज रिवील हो गया है हमारे। हाँ, शो पे। तो बहरहाल ये भी एक अपनी वो है, राइट। अच्छा, अब तो हम इसको यहाँ रख देते हैं। इसमें बेसन जो ऐड किया है उसका कच्चा फ्लेवर ना आए, इस वजह से हमने को फ्राई किया है। बिल्कुल, और साथ में वेजेस भी थोड़ी सी अच्छी सी, उसे मसाला लग जाता है और फ्राई हो जाती है, मसाला पूरा पक जाता है, दही भी है, मसाले भी हैं। और जब हम इसे करी में डालेंगे तो जो बेसन है उससे थिक करी का लुक आएगा। अच्छा, आप ये देखिएगा, अब हमारा ये तैयार है मसाला, हम इसमें ये डाल रहे हैं
और हम इसको डालने के बाद थोड़ा सा योगर्ट डालेंगे अच्छे अच्छा, से इसके बाद के योगर्ट हाँ, डालेंगे। इसके बाद थोड़ा सा हम योगर्ट डालेंगे एक लाइट टच रहने के लिए कि हमारे मसाले में एक लाइट टच रहे। और ज़रूरी नहीं कि योगर्ट फेंट के डालें, लम्स नहीं आ जाएंगे योगर्ट के? नहीं, अभी तो हमारा ये पक रहा है ना। अच्छा, तो इसलिए हम इसको ऐसे भी डाल सकते हैं, कोई मसाला नहीं। कुछ लोग इसमें क्रीम डालना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन यू नो फ्यूजन, हम क्रीम की जगह योगर्ट डाल रहे हैं। अच्छा। और ये वाकई योगर्ट से इसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तकरीबन एक कप हमने इसमें पानी डाल दिया, पानी डाल दिया, सही। ठीक है ना। अब इसका करी का जो दोनों को पकने दीजिए थोड़ी देर, करी हमारी थिक हो जाएगी। अच्छा, फिर हम इसे डिश आउट करेंगे। अच्छा, और बेसन भी है जिसकी वजह से करी जो है वो थिक हो जाएगी। अच्छा, पनीर टूटेगी नहीं या हम कुक करेंगे थोड़ी? बिल्कुल नहीं टूटेगी, क्योंकि आपने फ्राई कर लिया और हमने ब्लॉक्स में काटा था, और जब हम डिश आउट करेंगे तो इंशाल्लाह हम ब्लॉक्स में ही निकालेंगे इसे। क्या बात है जी। ठीक है, चले मैं यहाँ रहते हैं। अब हम अपनी सेकेंड डिश स्टार्ट करते हैं, दही वाले। इसके लिए दही वाले बैंगन, बिल्कुल हमने बैंगन पहले से ही आप देखें किस तरह ओवल शेप में काट के रखे हुए हैं। अच्छा, ये आपने गोल वाले बैंगन लिए या लंबे वाले? लंबे वाले। अच्छा, इसमें कुछ जरूरी है कि आप गोल वाले लें या लंबे वाले? आप कोई से भी बैंगन ले सकते हैं। अच्छा, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एक तरह किसी भी तरह के लें, पर्टिकुलर हाँ जो आपको पसंद है वो आप लीजिए ना। सही, ठीक है। हम इसको हल्के से, भी बहुत क्विक बन जाते हैं। आपने मुझसे कहा था ब्रेक में, मुझसे कहे कि अरे बस दो मिनट में बनेंगे। मैंने कहा आप यकीन कीजिए ये क्विक भी है, और ये इतने मज़े के होते हैं कि मेरे घर में जब दावतें होती हैं और मैं ये खिलाती हूँ लोगों को, तो ये जल सबसे पहले ख़त्म होने वाली ये डिश होती है। अच्छा, ये इतनी टेस्टी। अब ऐसे जैसे कि स्टार्ट में आपने हमें बताया कि ये बेस्ट अल्टरनेटिव है दही बड़ों, दही बड़ों का एपिटाइजर के ही तौर पे रखे जाते हैं, और ये बहुत टेस्टी होते हैं। अच्छा, और हेल्दी के हेल्दी, हेल्दी के हेल्दी। तो, बैंगन कोई खाना पसंद करता नहीं है, तो अगर आप दही बगारे बैंगन, असल में साउथ इंडियन डिशेज जो है उनमें जब बैंगन पकता है तो बहुत मेहनत के बाद पकता है। अच्छा, तो आप यकीन कीजिए कि लोग खाते हैं जैसे बगारे बैंगन, हैदराबादी बैंगन हमारे हैदराबाद दक्कन, हाँ बहुत टेस्टी होते हैं। उसको खाने के बाद जो नहीं खाते हैं बैंगन, वो भी खाने लगेंगे, वो भी खाने लगेंगे। क्या बात है। अच्छा, हमारी हम यही तो बात कहते हैं कि हमारी रिवायती रेसिपीज़ इतनी मज़े की होती हैं कि जो नहीं खाने वाले होते ना, जिसे पसंद नहीं करते, वो भी जब खाना शुरू करते हैं तो कहते हैं वाह क्या बात है। अच्छा, कैसे बनाया? मैं बेस्ट जो है आपको दही करके दे देती हूँ। जब बैंगन फ्राई होने के बाद हम इसको मसाला बनाएंगे बहुत अच्छा सा, और फिर हम इसको, अच्छा इसका भी अलग से मसाला बनेगा? जी बिल्कुल, इसका मसाला बनेगा, क्योंकि आप देखें इसको दो तरीके से बनाते हैं। एक तो बैंगन में ही सारा नमक मिर्च धनिया वगैरह डाल के बनाते हैं, लेकिन वो पानी छोड़ देता है ना, तो वो फ्राई बैंगन से वैसे ही पानी छोड़ देता है, और वो बैंगन इतने अच्छे फ्राई नहीं होते। आप इनका फ्राई जो क्रिस्प है वो आप फील करेंगे इंशाल्लाह ना। आप, मैं देख रही हूँ आप जिस तरह से क्रिस्पी ब्राउन कर रही हैं। हाँ, तो डार्क हाँ। देखिए हम लोग इसको ये नहीं कर, आप, मैं चाहूँगी कि आप दिखाएं कितना डार्क इन्होंने थोड़ा सा कलर दिया, ताकि क्रिस्पी ब्राउन इसका जो है वो एक कलर आ जाए, और एक टच आ जाए, और क्रिस्पी सा फ्लेवर आ जाए इसका। बाकी भी निकाल लेते हैं बैंगन, दही भी यहाँ पे विस्क हो गया है, और अब हम इसका मसाला बनाएंगे। थोड़ा सा हमें बैंगन और फ्राई करना है, थोड़ा सा और फ्राई करेंगे, और हम इसको भी देखते रहेंगे। ये हमारी डिश ऑलमोस्ट तैयार है, बिल्कुल इसका कलर देखें कितना खूबसूरत आया है, और ये ऑलमोस्ट तैयार है हमारी डिश ना। अच्छा, तो हम इसे बंद कर देते हैं और इसे डिश आउट कर देंगे। अच्छा, बस टिक्का मसाला रेडी हो गया है जी। आप देखें जी, पनीर टिक्का मसाला जो है वो रेडी है, और अभी रेडी हो रहे हैं दही वाले बैंगन। अच्छा, मुझे आप बता रही थी कि क्या कहते हैं, अब मैं चाहूँगी आप व्यूवर्स को भी बताएं कि बैंगन जो है वो बिल्कुल लाइट नहीं निकाल, बिल्कुल कच्चापन बैंगन में नहीं रहना चाहिए। राइट, बैंगन बिल्कुल हाँ कुक होने चाहिए। आप फ्राई करें, लेकिन इतना फ्राई करें कि बैंगन कुक हो जाए। हाँ, कच्चे बैंगन में कच्चापन नहीं आए ना, और क्योंकि हम इसे ड्राई मसाले के ऊपर सर्व करेंगे। अच्छा, योगर्ट भी डालेंगे लेकिन ड्राई मसाले पे सर्व करेंगे, बैंगन को हमें नहीं पकाना। दैट्स इट, बैंगन हमने सिर्फ फ्राई करने। ठीक है। अच्छा, यानी कैसे हम इसकी लेयरिंग करेंगे। बिल्कुल। तो अच्छा, अब देखें वर्दा, मैंने ये सारे फ्राई करके और मैंने पेपर टॉवल पे रख लिए, क्योंकि इनका जो भी एक्सेस ऑयल है वो। अच्छा, हम सबसे पहले इसमें थोड़ा, अब हम बैंगन का मसाला बना रहे हैं। हम लिटिल करी लीव्स डालेंगे, और हम इसमें डायरेक्ट लहसुन अदरक डाल देंगे। अच्छा, ठीक है, भूनने के लिए डायरेक्ट लहसुन अदरक डालेंगे। सॉरी, क्योंकि ये उड़ता है तो हमें इससे चूल्हे से हटा लेना चाहिए जब ये उड़ना शुरू करे, क्योंकि लहसुन अदरक ऑयल में आप जब भी डालेंगी तो ये उड़ेगा ना, कोई नई बात नहीं। तो हम इसको
उड़ने से बचाने के लिए अगर हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, पानी ऐड, तो हम वो सॉरी पानी ऐड कर देंगे, सॉरी कोई बात नहीं। अब हम इसके मसाले यहाँ पे आप हैं मुझे करेक्ट करने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए हम ये हाफ स्पून मेरे ख्याल से हम डालेंगे धनिया, इसलिए हाफ स्पून कह रही हूँ कि हम इसे बहुत ज़्यादा मसालेदार नहीं बनाते। अच्छा, ज़ीरा पाउडर हम पूरा फुल स्पून डालेंगे, धनिया पाउडर डाला अभी आपने, ज़ीरा पाउडर, ज़ीरा पाउडर ये हमने हाफ टी स्पून गरम मसाला डाला, सही। हल्दी पाउडर डालेंगे हाफ, ये हमारी लाल मिर्च पाउडर, बिल्कुल नमक, लाल मिर्च पाउडर बिल्कुल नमक। आप देखिए हर मसाला इसमें जा रहा है, ऐसा नहीं है कि हम इसमें मसाले कम डाल रहे हैं, तकरीबन हर मसाला प्रॉपर जैसे ग्रेवी बनती है उस तरह से ग्रेवी बन रही है प्रॉपर। एक स्पून इसमें अगर आप चाहें तो टमाटर भी डाल सकती हैं, अच्छा ठीक है ना, लेकिन हम इसको टोमेटो पेस्ट भी डाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास टोमेटो पेस्ट इस वक्त अवेलेबल है तो हमने डाल, यानी इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप में तो टमाटर यूज़ करना है या टोमेटो पेस्ट, जो भी घर में आपके पास इजीली अवेलेबल है जो भी आपके आप पास है ना, मेन मकसद है थोड़ा सा इसमें एक फ्लेवर खटास का, बिल्कुल बिल्कुल राइट बिल्कुल। तो इसको हमें सही से भूनना है, हमारे पास योगर्ट बीट किया हुआ बिल्कुल रेडी है, योगर्ट डालेगा इसके अंदर, इसमें बिल्कुल भी नहीं डलेगा, ये तो हमें ड्राई मसाला बनाना है एक तरह से। अब हम इसको डिश आउट करेंगे, डिश आउट करना है सही है, जब तक हम मसाले को थोड़ा सा और भूनते हैं कि ऑयल सेपरेट हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल अभी हमें भूनना है, थोड़ा सा मिनट करते हैं भुनाई, आप जाके लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक, आप देख रहे हैं रिवायतों की लज्जत और हमारे दही बैंगन जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अच्छा अब आप मुझे बता रही थी कि असेंबलिंग कैसे होगी, बिल्कुल अब हम इसे असेंबल करेंगे। ये देखें सबसे पहले हमने जो इसका मसाला तैयार किया है इसे हम अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देंगे। अच्छा मसाले का मैं बता दूं कि हमने ब्रेक ले ली थी, उस वक्त जब हम ब्रेक पे जा रहे थे तो हम मसाले को भून रहे थे, उसकी भुनाई चल रही थी, थोड़ा सा पानी डाल के हमने मसाले को अच्छी तरीके से भून लिया था, जब ऑयल सेपरेट हो गया तो हमने उसको एक बोल में ट्रांसफर कर लिया। हाँ और वैसे भी इसमें इतना कम ऑयल डालते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये ऑयली है ना, इनको हमने फ्राई किया, थोड़ा सा ऑयल डाला तो बस ये हमने बैंगन ये डाला, उसके बाद हम बैंगन को लाइन से लगा देंगे इस तरह, जरा खूबसूरत भी नज़र आना चाहिए। और ये देखिए हमने ऐसे लगा दिया, आपको इसके लिए लेडल चाहिए होगा, बिल्कुल राइट बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको लेडल दे दूँगा के यहाँ पे, जज़ाकअल्लाह वरदा बहुत अच्छी हेल्प कर रही हैं आप मेरी। लाइए अब हम इसके ऊपर योगर्ट तो की ये यहाँ पे ये हम इस पर योगर्ट की तह लगाएंगे, ये देखें किस तरह, बस हल्की हल्की सी क्योंकि हमें इसकी एक तह और लगानी है। अच्छा अब इसे हम सेकंड लेयर दो लेयर्स बिल्कुल करेंगे, दो लेयर लगाएंगे और ये भी मतलब रहे कि हम मतलब हमारे एग प्लांट भी बैंगन भी नजर आने चाहिए ना, ठीक है ना। अच्छा, ये ना हो के इतना दही आपने डाल दिया कि बैंगन छूट गए, बैंगन मुँह में पानी आ रहा है मेरे मुँह में, तो मैं बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ खाने पीने की और ये ऐसी चीज़ें हैं, ये चुटपुट चीज़ें हैं, मतलब ये पूरा आपका मील भी नहीं आप, है हाँ और ये और आप स्नैक्स भी ले सकते हैं, आप शाम में चाय वगैरह के साथ बिल्कुल, भी आप चाय वगैरह के साथ, छोलों के साथ, छोलों के साथ, कोई घर में गेस्ट आ जाए आपके हर वक्त अगर आप चने की चाट बना रहे हैं या कुछ भी, बिल्कुल इतनी क्विक रेसिपी है, एग्जैक्टली क्या आप गेस्ट में भी सर्व कर सकते हैं। देखिए हम दोबारा से सेकेंड लेयर लगा रहे हैं एग प्लांट की, सही और बस हम इसमें अब दही की एक लेयर लगा देंगे। अच्छा इसमें घघार भी लगेगा राइट, जी असल में वही इसका टेस्ट देखिएगा, बिल्कुल फ्लेवर देगा, एक अरोमा देगा इसको, आप देखिएगा क्या बात है, ये हमारा हो गया ऐसे, सही थोड़ा सा हम इस पर ना ये तो हमने कर दिया कवर, लेकिन थोड़ा सा हम मसाले का टच भी देंगे ताकि अच्छा लगे ना कि क्या फ्लेवर मसाले का है, जी बिल्कुल। अच्छा दही की और लेयर लगाएंगे आप? नहीं नहीं बस इसको हम हटा देते हैं यहाँ पे। अच्छा पहले तो हम सबसे पहले इसको भगा देंगे। अच्छा भगा रेडी कर रहे हैं अब हम इसका ना, ये बिल्कुल क्विक है, इसमें हमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, करी लीव्स और हमारी लाल साबुत गोल मिर्च चाहिए आपको। अच्छा करी लीव्स का भी अपना एक फ्लेवर आता है दही बड़ों में भी, और भगार में खास तौर पे एक बहुत ही उसका जी अच्छा अरोमा होता है। इंडियन फूड्स में करी लीव्स के बगैर शायद ही कुछ पकता हो। अच्छा वो खाना मेरे ख्याल से उनका इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है बिल्कुल। तो ये देखिए आप हमारा हाँ ये भगार, अच्छा हम जीरा ऐड नहीं कर रहे ना, जीरा कर भी सकते हैं ऑप्शनल है, लेकिन हम जीरा ऐड नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इन दो चीज़ों का कर रहे हैं
और हम कोशिश करेंगे कि हम इसमें ऑयल बहुत ना डालें ना। अच्छा, क्योंकि ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑयल जी हम इसमें बिल्कुल इसमें एक्स्ट्रा ऑयल बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और जो डाइट कॉन्शियस लोग होते हैं वैसे ही ऑयल हटा 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 के खाते हैं, क्योंकि एक हेल्दी डिश है, नहीं खाऊंगी तो इसको हेल्दी ही रहने दे तो ज्यादा अच्छा। हाँ, हम इसको बिल्कुल ऐसे डालेंगे, खुशबू आपको आ रही आना शुरू हो गई। इस करी लीव्स की खुशबू आई है और वाकई देखें कितना कम ऑयल है कि इजीली कोई भी खा सकता है। और ये आपको पता है जो लाल मिर्च भी इसमें ऑयल में हो जाती है उसका अपना ही टेस्ट डिवेलप हो जाता है। एग्जैक्टली। और हम इसमें जरा सा इसको और खूबसूरत बनाने के लिए इसकी धनिया डाल देंगे बस। वाओ, तो देखिए ये हमारा, अच्छा जस्ट होल्ड ऑन अ मिनट, ये हमारा थोड़ा सा, ये तो हम क्लीनिंग वगैरह करते रहेंगे, अपनी फाइनल प्रेजेंटेशन आपको दिखाएंगे। पनीर टिक्का मसाला भी जो है हमारा रेडी हो चुका है। जब तक हम करते हैं तमाम हमारी फाइनल प्रेजेंटेशन, आप जाके देखिए रेसिपी कार्ड का रीकैप। पनीर टिक्का मसाला अज्जा, पनीर क्यूब्स में कटी हुई 4 अदद, दही 2 चाय का चम्मच, बेसन 2 चाय के चम्मच, लहसुन अदरक 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, गरम मसाला 1/2 चाय का चम्मच, भुना हुआ जीरा 1/2 चाय का चम्मच, हल्दी 1/2 चाय का चम्मच, तंदूरी मसाला 1/2 चाय का चम्मच, अजवाइन 1/2 चाय का चम्मच, शिमला मिर्च कटी हुई 2 अदद, प्याज कटी हुई 2 अदद, ऑयल 2 कप, जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक हसबे जायका, गरम मसाला 1/2 चाय का चम्मच, पानी 1 कप, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, टमाटर का पेस्ट 2 चाय के चम्मच। तरकीब, पनीर के क्यूब्स लेकर उसमें दही के 2 चम्मच, बेसन, अदरक, धनिया पाउडर, गरम मसाला और भुना हुआ जीरा, हल्दी, तंदूरी मसाला, अजवाइन और शिमला मिर्च कटी हुई, प्याज कटी हुई डालकर इन तमाम चीज़ों की मैरिनेशन कर लें और 10 मिनट के लिए छोड़ दें। एक देगची में ऑयल डालकर प्याज डालें और कड़ी पत्ता, जीरा पाउडर डालें, साथ ही हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, गरम मसाला, पानी और धनिया पाउडर शामिल करके हल्की आँच पर भून लें। एक फ्राई पैन में क्यूब्स जो मसाले के साथ मिक्स की थी उसको फ्राई पैन में फ्राई कर लें, फिर उसको भुने हुए मसाले में 1 कप पानी शामिल करके थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दें, बाद में डिश में निकाल कर सर्व करें। दही वाले बैंगन अज्जा, बैंगन 4 अदद, ऑयल 1 कप, लहसुन अदरक 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला 1/2 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, दही 2 कप। तरकीब, एक फ्राई पैन में कटे हुए बैंगन को फ्राई कर लें, बैंगन के मसाले के लिए लहसुन अदरक भून लें, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हसबे जायका नमक, टमाटर का पेस्ट डालकर मसाले को भून लें। मसाले को डिश में अच्छी तरह फैला दें, साथ में तले हुए बैंगन ऊपर से डाल दें, हल्की दही डाल दें और फिर ऊपर मसाले की तह लगा दें। तड़का लगाने के लिए जीरा और साबुत लाल मिर्च डालकर फ्राई करके डिश के ऊपर डाल दें और फिर सर्व करें। जी जनाब, तो रेसिपी कार्ड आई एम श्योर आपने नोट कर लिया होगा, बार बार कहने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि बस अब तो एक मोबाइल के क्लिक पे जो है वो रेसिपी कार्ड सेव हो जाता है मोबाइल में। और ये रेसिपीज़ दोनों आपने ज़रूर ट्राई करनी है, और मैंने पनीर टिक्का मसाला चखा है, बहुत मज़े का बना है। थैंक यू जी, नहीं थैंक यू सो मच इरफत जी, आप आई और आपने इतनी दोनों रेसिपीज़ हमारे साथ शेयर करी और बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत क्विक बनने वाली हैं और साउथ इंडियन ऑथेंटिक रेसिपी आपने हमारे साथ शेयर की, इसके लिए अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, इंशाल्लाह कि कभी जरूर, थैंक यू, जरूर जरूर आपको बुलाएंगे। अब हमें कोई नई रेसिपी बनानी होगी साउथ इंडियन, तो हम जरूर इरफत जी को इनवाइट करेंगे इंशाल्लाह। आपका भी थैंक यू कि आप रेगुलरली हमारे शो को जो है वो फॉलो कर रहे हैं, रेसिपीज को ट्राई कर रहे हैं और इतना अच्छा फीडबैक हमें दे रहे हैं, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपके पास भी कोई रेसिपी है जो आप शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ, तो हमें जरूर कॉमेंट कीजिए, हमें बताइए, हम आपको इन्वाइट करेंगे अपने शो पे। इसी के साथ ही आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, फिर मिलेंगे आपसे एक नए शो एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, ईट गुड एंड फील गुड।